दोस्तों, मालदीव में चीन की धमक से टेंशन में आ गया है अमेरिका। इन्होंने मुइजू की सेना के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि भारत को ही टेंशन आना था, लेकिन अमेरिका को कैसे आ गया। लेकिन अमेरिका में आपको बता दूं, और भी ज्यादा टेंशन में आ चुका है। और जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है, लग रहा है कि यह भी मालदीव पर अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। दरअसल पूरी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। भारत संघ चल रहे तनाव और चीन के साथ बढ़ रही मालदीव की दोस्ती के बीच अब अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है। अमेरिका के सहायक विदेशी मंत्री डोनाल्ड लू ने पिछले दिन मालदीव के दौरे पर पहुंचे थे। इस बीच डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए फ्री बीच अनाउंस किए थे, मतलब कि फ्री में मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जिसमें 4 पेट्रोल शिप्स और एक पूरा हवाई जहाज मालदीव्स आर्मी के लिए इसमें शामिल था। इसके अलावा यह भी वादा किया गया था कि अमेरिका मालदीव्स को रियल टाइम कमर्शियल सैटेलाइट डाटा भी देगा, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन जो बर्ताव मालदीव्स का दिख रहा है और चीन के साथ बढ़ती दोस्ती अमेरिका को बहुत गुस्सा दिला रही है। यह जो फ्री की रेवाड़ी अमेरिका ने मालदीव्स को बांटी है, इसके पीछे अमेरिका ने रीजन बताया कि क्योंकि यह देश छोटा है, लेकिन अगर रक्षा जरूरतों के लिहाज से देखा जाए तो उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हाल ही में अमेरिका ने यह ऐलान किया है। अमेरिका ने यह ऐलान वो भी ऐसे समय में किया जब कहा जा रहा था कि चीन की एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक द्वीप पर आने वाली है। इसका पूरा प्लान बना रहा है चीन, और विश्लेषकों का कहना है कि अगर चीन ऐसा करने में सफल हो जाता है तो भारत के लिए ही नहीं, लेकिन अमेरिका के युद्ध पोतों की आसानी से ये निगरानी रखने में कामयाब हो सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते आज अमेरिका भी पिस्ट ऑफ हो चुका है ऑन मालदीव्स, क्योंकि अमेरिका की नेवी की भी यहाँ पर काफी अच्छी प्रेजेंस है। अब मालदीव्स से कुछ नॉटिकल माइल्स दूर एक ब्रिटिश ऑन आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो ग्रेसिया। यहाँ पर यूएस का पूरा नेवल बेस है, और अमेरिका ने यह स्ट्रेटजिकली इसलिए बनाया ताकि वह चीन के हर हरकतों पर नजर रख सके। लेकिन जिस तेजी से चीन की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं मालदीव से, और यह अपनी जासूसी शिप मालदीव्स में डॉक करना चाहता है, तो यह पूरा केस उल्टा हो सकता है। अब चीन भारत और अमेरिका के युद्ध पोतों पर नजर रखना चाहता है, जो कि अमेरिका को हरगिज मंजूर नहीं है। अमेरिका ने एक बयान भी दिया। इन्होंने कहा कि भले ही मालदीव्स का साइज 53,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 1200 आइलैंड है टोटल, जो कि फ्रांस के बराबर का है, लेकिन ये स्ट्रेटजिकली काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीन को काउंटर करने के लिए, और हमें भारत की इसमें मदद करनी है। तो यह बात तो तय है, अगर मालदीव्स ने और ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश की चीन से, तो ये सीधे सीधे दुनिया के सुपर पावर से पंगा ले लेंगे। खैर, अब मालदीव ये जो ट्रेजेडी में फंस चुका है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।